आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी किस तरह टिकटॉक आईडी की वीडियो को जब सेव करते हो तो आपका ओपन लोगो वाटरमार्क शो नहीं होता। ये आजकल टेक्निकल इश्यू आ रही है, टिकटॉक वालों ने नई अपडेट टिकटॉक की है, तो इसकी वजह से ये आजकल इश्यू आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इजी सा तरीका है, इतना कोई आपको मतलब कि मुश्किल काम नहीं है। आपको जस्ट एक थोड़ा सा काम करना है, तो आपका लोगो वाटरमार्क ऊपर जब आप वीडियो को सेव करोगे तो आ जाएगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल था जब टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली तमाम मेरी न्यू अपडेट आप तक बानिस्तानी पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जी फ्रेंड जी, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अब हम टिकटॉक को ओपन करते हैं। हमें नहीं आती। ये मैंने टिकटॉक को ओपन किया अच्छा और बच्चों, मैं एक वीडियो सेव करता हूँ। अगर पहले मैं आपको फॉलो नहीं आ दिखाता रहा हूँ है कि बगैर वाटरमार्क के जो हमारी वीडियो सेव होती है। तो हम तो ये एक इसमें वीडियो माउथ सेव कर कैसे आना, लेते बाजू हैं। बाजू होट तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी वीडियो सेव हो चुकी है। तो पहले मैं आपको गैलरी में इस वीडियो को दिखा देता हूँ। तो ये आप देख तो सकते हैं, इसमें ये माउथ कहीं पे कैसे भी हमारा लोगो शो नहीं हो, हमारा लोगो शो नहीं हो रहा। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि अब हम किस तरह आपने इसको सेव करना है। तो आपका वाटरमार्क लोगो आपका शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी यही वीडियो को, इसी वीडियो को आपने ओपन करना है। और ये आपको थ्री डॉट नज़र आ रहे हैं, शेयर वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कॉपी लिंक का, इस पर आपने क्लिक करना है और अपनी वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब आप देख सकते हैं, ये लिंक कॉपी हो चुका है। और इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, विडमेट। ये एक एप्लीकेशन है जो जो आपको गूगल प्ले पर, दूसरा प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलेगी, ये आपको गूगल क्रोम पर मिलेगी। वहाँ से जाकर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये रहा वो एप्लीकेशन। तो इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद जो आपने उधर वो आपने अपना लिंक कॉपी किया था, आपने इधर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप अपना लिंक जो आपने उधर कॉपी किया पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो वही वीडियो आपके सामने इस तरह आ जाएगी। इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेव वाले ऑप्शन पे। जब इस पर सेव पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको नीचे MP3 और ये नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आपने डाउनलोडिंग पर क्लिक कर देना। तो ये आपका डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपनी गैलरी पे देखते हैं कि वो हमारी वीडियो का वाटरमार्क आया है या नहीं आया। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी वीडियो का वाटरमार्क ये ऊपर शो हो चुका है। वही हमारी वीडियो है, ये आप देख सकते हैं, ये पुराना वाला है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपना कोई भी अपनी वीडियो का वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह की चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉच।